गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? तो गाइज़, कल मैं एक वीडियो के थ्रू आप सभी से क्वेश्चन पूछा था कि हारमोनियस यूनियन का मतलब क्या है। आप अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितने लोग न्यूली आउकेंड है, कितने लोग इस जर्नी के बीच में हैं, एंड कितने लोग हाईली आउकेंड हो चुके हैं, जिन लोगों की यूनियन 2024 से 2025 के बीच होने वाले हैं, ठीक है? तो हमारी इस चैनल में लगभग 4.2 के मेंबर्स हो चुके हैं, राइट? बट उस वीडियो को बस 300 लोगों ने ही देखा है, मतलब वो वीडियो आप सभी के पास नहीं पहुंची है। तो उस वीडियो के थ्रू कल मैं एक सर्वे किया था जिसका रिजल्ट मुझे मिल चुकी है, ठीक है? तो मैं उस सर्वे के थ्रू आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों की यूनियन कब होगी, ओके? तो इस चैनल के थ्रू जितने भी डिवाइन सोल्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप में से 3.9 के मतलब 3,900 लोग न्यूली आउकेंड हैं, ओके? तो आप लोगों को बहुत सारे इनोवा करना अभी भी बाकी है, क्योंकि आप इस चैनल का मेंबर होके भी मेरी एनर्जी के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाए हैं। मतलब आपकी कॉन्शियस लेवल 3D बेस्ड है, आपको 3D से 4D एंड 4D से 5D में पूरी तरह शिफ्ट होना है। आपकी जर्नी बस ट्रिगर हुई है, आपकी जर्नी अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ओके? शायद आप किसी कार्मिक या फिर किसी सोलमेट रिलेशनशिप में अभी है, ओके? आपका ट्विन आपकी लाइफ में अभी तक एंटर भी नहीं किया है। एंड जो 300 लोगों ने उस वीडियो को देखा है, आप लोग कन्फर्म हो जाए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपको इस जर्नी के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, ओके? आप जितनी जल्दी अपना इनोवा कंप्लीट करके इनर यूनियन में आ जाएंगे, उतनी जल्दी आप दोनों की यूनियन होगी। क्योंकि देखिए गाइज, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, ओके? आपने उस वीडियो को देख तो लिया है, बट आपने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अंदर से इस जर्नी को लेकर अभी भी डाउट है, ओके? एंड जो 40 से 50 लोग उस वीडियो को देख के बस लाइक किया है, आप लोग या तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है, ओके? आप लोग अपने ट्रू फीलिंग्स को दूसरों के सामने अच्छे से पेश नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप लोगों को अपने ट्विन से अभी तक कोई भी कमिटमेंट नहीं मिला है, ओके? तो आप लोग अपना कम्युनिकेशन स्किल पर ज़्यादा काम करिए, आप थ्रोट चक्र मेडिटेशन करिए, ओके? आप आपकी थ्रोट चक्र को पहले एक्टिवेट करके उसे बैलेंस में लाइए, तभी जाके आपका पर्सन जो अभी साइलेंट जोन में है वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगा, ओके? एंड लास्टली, जो 18 से 20 लोग ने उस वीडियो को देखा है एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू को कमेंट सेक्शन में रखा है, आप लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोगों की कॉन्शियस लेवल पूरी तरह 5D में शिफ्ट हो चुकी है, आप लोगों की डायमेंशन पूरी तरह 5D में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है? तो आप लोगों की परमानेंट यूनियन इस 2024 से 2025 के बीच होने वाली है, ओके? सो आप अपना इनोवा कैसे ही करते रहिए। एंड हमेशा एक बात को याद रखिए कि भगवान हमेशा ताकतवर की परीक्षा लेता है, और उन्हें मुस्कुराहट भी भगवान ही देता है। आप अगर अपने प्रेम का आखिर तक इंतज़ार कर लेते हो, तो आखिर में भगवान आपको आपकी प्रेम से ज़रूर मिलाता है, ओके? ये एक मूवी का डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसे मुझे अंदर से बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, इसलिए मैं कभी भी पेन की वजह से इस जर्नी पे गिव अप नहीं किया है, ओके? सो गाइज, आप अपनी जर्नी पे ऐसे आगे बढ़ते रहिए, अपना इनोवा करते रहिए, और डिवाइन पे भरोसा रखिए, ओके?